का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अपने स्वयं के राज्य की, और नेवर स्टेट की जो जनता उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार और रोजगार के लिए निर्भर करती है, कुल 30 करोड़ की आबादी को, आबादी का एक बड़ा श्रम और उपभोक्ता बाजार उत्तर प्रदेश के पास है। यानी जितना आपका बिजनेस यूरोप या अन्य देशों में है, उतना अकेले यूपी अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। और इस दिश से मैं देख के ताजुब करता था कि हिंदुजा ग्रुप यूपी से आखिर क्यों दूरी बनाए हुए है, क्योंकि अशोका लीलैंड की बसेज चलती हैं, लेकिन निवेश जिस राज्य में सर्वाधिक संभावना है वहाँ से दूरी थी, कोई निवेश नहीं था। मैंने कई बार हिंदुजा जी से इस बारे में आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने रुचि दिखाई और आज धीरज जी स्वयं अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस महत्वपूर्ण एमओयू को यहाँ पे साइन किया है, और वह भी एक ऐसे सेक्टर में जो भारत की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिश से प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ईवी सेक्टर का है। यह हमारे भविष्योन्मुख दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। एक तरफ हम लोग परंपरागत चलने वाले उस ईंधन पर जो हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता, जिसके लिए हमें अपनी महत्वपूर्ण मुद्रा को देना होता है, उस पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो विजन है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, और इस दिश से आज का ये एमओयू अत्यंत तो महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी निवेशक आते हैं या जो उद्यमी पहले से हैं, उन सबको सभी प्रकार की सुरक्षा और शासन की हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। 6 वर्ष में जिस उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, 6 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी के साथ बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में व्यापक सुधार, 14 से नंबर 2 पर आना, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया तंत्र विकसित होना, आज आप देख रहे होंगे कि वर्तमान और भविष्य जो हमारी प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवेज हैं, 13 ऐसी एक्सप्रेस वेज वर्तमान में या तो बन चुकी हैं या बन रही हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। देश का पहला इनलाइन वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर देश के सबसे अधिक मेट्रो उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, और देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश
ने अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर किया है और मुझे लगता है कि हिंदुजा ग्रुप ने बहुत अच्छा निर्णय समय से किया है। देश का सबसे बड़ा परिवहन का बेड़ा राज्य सरकार के पास स्वयं है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास 14,000 अपनी बसेज हैं और स्कूल बसेज को अगर हम देखेंगे तो इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख तक पहुंचती है। आपने देखा होगा भारत सरकार ने जो अपनी नई पॉलिसी लेकर के आए हैं जिसमें 15 वर्ष पुराने सभी जितने भी वाहन हैं इन सबको अलग अलग फेज में समाप्त करना, और इसी दृष्टि से हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि राज्य सरकार अपने परिवहन निगम के बेड़े के साथ ही इस समय हम 750 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अलग अलग नगरों में संचालित भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारी कैबिनेट ने 3 नई सिटी के अंदर इन बसेस को प्रारंभ करने का, और भी नए सिटी के अंदर अयोध्या के अंदर, सहारनपुर के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर भी निर्णय लिया है। यानी ये संख्या काफ़ी आगे बढ़ने जा रही है। देश का पहली सोलर सिटी के रूप में हम अयोध्या को विकसित करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, तेजी के साथ कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहाँ परिवहन निगम के बेड़े में, तो हम इन बसेज को समाहित करने की कार्रवाई को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो ईबी पॉलिसी है इसमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अपने इंसेंटिव दिए हैं, अगर कोई प्राइवेट पार्टी इलेक्ट्रिक बस खरीदता है तो एक इलेक्ट्रिक बस में 20 लाख रुपए की तक हम उसे इंसेंटिव भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रति बस उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मार्केट आपके लिए उपलब्ध है जहाँ पे स्कूली बसेज, क्योंकि हर एक स्कूल या हर वह संस्थान जो अब तक डीजल या पेट्रोल से संचालित होता था, वह भी इस बात को मानेगा कि नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए आवश्यक है कि वह इधर प्रवेश करे। मेट्रो, वर्तमान में हम लोग 5 सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन कर रहे हैं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, प्रदेश के पहले जो औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था कानपुर में, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में, आगरा में फरवरी 2024 तक हम मेट्रो के फर्स्ट फेज का कार्य प्रारंभ कर, मेट्रो का संचालन प्रारंभ कर देंगे। यानी मेट्रो के संचालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक बसेज की का सपोर्ट उसके लिए आवश्यक होता है, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने अपनी इंसेंटिव दी है, हमारी पॉलिसी इसके लिए उपलब्ध करवा रही है और इसको हम तेजी के साथ इसका विस्तार भी करने जा रहे हैं। आज का यह MOU साइन का यह कार्यक्रम अपने आप में हिंदुजा ग्रुप की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, आपके बिजनेस को भी, आपके सेवा के कार्यक्रमों के लिए भी, रोजगार की दृष्टि से भी प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और आप जब उत्तर प्रदेश में एक बार कार्य करेंगे, हम लोग तो इस बात को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने से लोग पहले थोड़ा घबराते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो फिर यहाँ से वापस जाने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि यह तो अपने आप में ईश्वरीय भूमि है। सभी ईश्वरीय अवतारों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। कुंभ 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ है और हमारा प्रयास होगा कि कुंभ के पहले हम लोग अपने यहाँ अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का बेड़ा कुंभ के दृष्टि से यहाँ पर अपना स्थापित करें। और मुझे लगता है कि अशोका लेलैंड ने 1948 से अब तक एक लंबी दूरी तय की है, हिंदुजा ग्रुप ने सड़क परिवहन के इस फील्ड में जो एक सफलता प्राप्त की, या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है,
आपने अपना थीम भी रखा है कि कोई मंजिल दूर नहीं, मुझे लगता है वो मंजिल आपको उत्तर प्रदेश में आने पर अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और इस विषय मैं आज के इस अवसर पर धीरज जी आपको और आपकी पूरी टीम को उत्तर प्रदेश आने पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका उत्तर प्रदेश में होने वाला यह निवेश आपके ग्रुप को एक नए अनुभव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश करने के लिए आपका यह ग्रुप अवश्य यहाँ पर प्रफुल्लित होगा, प्रोत्साहित होगा। आज के इस MOU साइन कार्यक्रम के अवसर पर मैं औद्योगिक विकास विभाग को भी और हिंदुसा ग्रुप को भी एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।